हाय गाइस, मैं हूँ श्रेया गोस्वामी और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ऑफ बीट केक। अगर आपको कॉफी का फ्लेवर पसंद है तो ये केक आपको बहुत भाएगा, क्योंकि ये केक है कॉफी केक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लगभग एक कप अनसॉल्टेड बटर, जिसे हमने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। इसके साथ ही साथ हम मिक्स करेंगे 2 eggs, दोनों एग्स को अनसॉल्टेड बटर के साथ इस तरह से हमें मिक्स करना है। अच्छे से इसे विस्क कर लेंगे, जिससे ये एक स्मूथ बैटर बन जाए। हमारा एग और बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे 2/3 cup शुगर। मैंने यहाँ पे पाउडर्ड शुगर लिया है, आप कैस्टर शुगर नहीं तो रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं। ये कॉफ़ी केक ऑलमोस्ट एक नॉर्मल केक की तरह ही है, स्पंज केक की तरह ही है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि कॉफ़ी का एक यूनिक फ्लेवर हम इसमें डालने वाले हैं। शुगर अच्छे से विस्क हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे 1 cup मैदा। मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्स करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि लम्प्स फॉर्म ना हो, आपका केक का बैटर बहुत स्मूथ होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है, इसमें कोई लम्प्स नहीं है। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 teaspoon सिनेमन पाउडर, जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। सिनेमन और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब होता है। अगर आप सिनेमन फ्लेवर्ड कॉफ़ी पीते हैं तो आपको ये पता होगा ऑलरेडी, और अगर आपने ये फ्लेवर ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग होता है डेजर्ट्स में भी और ऑफकोर्स ड्रिंक्स में भी। हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे 1 teaspoon कॉफ़ी। यहाँ पे हम इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं। हमारे केक में कॉफ़ी का बिटरनेस शुगर के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। और इस बैटर में लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। हम यहाँ पे लगभग 1 tablespoon बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, इसको अब हम एक बेकिंग टिन में पोर करेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर बेकिंग टिन लिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो राउंड बेकिंग टिन या किसी और शेप का बेकिंग टिन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बैटर को पोर कर लें, अगर आप चाहें तो चम्मच से इस तरह से स्कूप करके पोर कर सकते हैं। हमारा कॉफ़ी केक का बैटर तैयार हो चुका है, इसे अब हमें बेक करना है 180 degrees फॉर 40 minutes। हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे हम थोड़ी देर के लिए कूल डाउन करने देंगे। हमारा केक कम्प्लीटली कूल हो चुका है, इसे अब हम एक चॉपिंग बोर्ड में या फिर प्लेट में इस तरह से पलटकर इसके ऊपर अब हम करेंगे आइसिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, केक का जो उल्टा हिस्सा है वो काफ़ी फ्लैट होता है, तो आइसिंग के लिए ये परफेक्ट है, वरना आपको केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे फ्लैट करके काटना पड़ेगा। काटते वक्त ये भी हो सकता है कि आपका केक टूट जाए या फिर क्रम्बल करना स्टार्ट कर दे, इसीलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप जो केक का उल्टा हिस्सा है उसी को यूज़ करें आइसिंग करने के लिए। हम यहाँ पर आइसिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं व्हिप्ड क्रीम, जिसमें हमने थोड़ा सा शुगर मिक्स किया है। हम इस तरह से हमारा कॉफ़ी केक तैयार हो चुका है, चलिए इसका अब एक स्लाइस काटते हैं। वाओ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा केक कंप्लीटली रेडी हो चुका है।
आप कॉफ़ी पीते हैं रेगुलरली आई एम श्योर, लेकिन अब आप कॉफ़ी केक का मज़ा भी उठा सकते हैं। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी तरह की अमेजिंग डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए हमें लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।